किए 3-4 साल से शुरू व्हेन आई गॉट रिटायर्ड. पहले मैं आई वाज अ टीचर फ्रॉम लास्ट फ्रॉम 30 ईयर. बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो आई कांट से दैट, पर मेरे को ग्रेजुअली मेरी जो ये प्रॉब्लम थी बढ़ती गई. तो मेरे को पेन, पहले तो मेरे को चलने में थोड़ी ज़्यादा आ गई, लास्ट 2 ईयर से मेरे को प्रॉब्लम होनी शुरू हुई. देन मैंने डॉक्टर शुभांग को हब नर्सिंग होम में दिखाया. एट दैट टाइम भी इट वॉज ओके, बट लास्ट ईयर आई वेंट टू सी माई डॉक्टर इन इंग्लैंड. मेरे को वहाँ पे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई कि मेरे को चलने में मुश्किल होने लगी. दैट टाइम जब मैं वापस आई हूँ, आकर डॉक्टर साहब को फिर दिखाया, तो मेरी खुद ही मेरे को फील हो रहा था कि मेरे को चलने में ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है. नाउ इट्स नॉट पॉसिबल कि मेडिसिन के ऊपर मैं हूँ. तो मेरे को एडवाइस किया गया ऑपरेशन के लिए. देन इस साल में NHS लास्ट ईयर से दिखा रही हूँ NHS में. अभी मैंने ऑपरेशन के लिए यहाँ आई हूँ. और जब मैं ऑपरेशन के लिए आई तो मेरे को यहाँ पे पता चला कि यहाँ पे रोबोटिक का भी करते हैं. सो मेरे को खुद अपने आप फीलिंग हुई बेटर आई गो फॉर दिस. तो जैसे ही मैंने इतना ज़्यादा हम सो डर कि मेरे को ऑपरेशन के टाइम पे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई. और ऑपरेशन के बाद जैसे मेरे को रूम में शिफ्ट किया, आफ्टर 3 आवर मैंने चलना शुरू कर दिया. दिस इज अवर सेकेंड डे, यू कैन सी मेरा ये पूरी लेग जो पूरी मूव करनी शुरू हो गई. आई एम वेरी मच ग्लैड विद माई डॉक्टर एंड द हॉस्पिटल एंड द होल टीम, बिकॉज दिस इज अ वेरी नाइस हॉस्पिटल, वेरी नीट एंड क्लीन हॉस्पिटल ऑल्सो. एवरी थिंग इज ऑल द स्टाफ और एवरी वन इज सो नाइस. सो आई एम ग्लैड. थैंक यू. I just want to say one last thing. I'm really, really thankful to Dr. Shubhang and his team in the NHS hospital. As my mother just mentioned to you that she had come to visit me last year in England, and I, at that time, it was really, really not a nice thing for me to see that my mother, who was so active all her teaching life, was unable to walk properly. When I came back and I suggested that we should take it further and get the surgery done, I'm really, really grateful to the team, Dr. Shubhang first of all, and his amazing team. And all I can say is, hand on heart, this place is really good. We need more and more hospitals like this in India, and a team like this in India. Coming from the UK, I can really see that the standard of this hospital is no less than the ones there. So please keep the good work going, Dr. Shubhang, your team, every single person, Dr. Shubhang, his management team, Mandeep, Ashok, the nurses, I can just name every single person in the team from the top to right to the bottom. A big thank you from the bottom of my heart. Thank you so much for making my mother walk the way she should be walking. She's only 65, and a big thank you, and I can't thank you all enough. Thank you so much.